हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हमारा ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर विदाउट गन स्किन सीरीज का एपिसोड नंबर 4, जहां पर कि हमारा स्कोर 399 यानी कि इलाइट हीरोइक चल रहा है। तो यहां से हम 4 स्टार के लिए पुश करेंगे एंड इलाइट हीरोइक का 4 स्टार भी कंप्लीट करेंगे। और बात करें तो यहां पर मेरा जो स्टैटिक्स चल रहा है वो अभी यहां पर चल रहा है 61 मैचेस के अंदर 39 बुया एंड 17 का केडी रेट भी चल रहा है, काफी घट चुका है। खैर कोई दिक्कत नहीं, बात बात में तो घटते ही रहेगा। खैर मैच को करते हैं स्टार्ट। क्या बात है, शुरू करते। अब यहाँ पर आज के पहले मैच की बात करी जाए तो मेरे 3 किल थे एंड मेरे पास AWM थी एंड सामने मेरे को एक बंदा भी दिख रहा है, स्नाइपर टावर के ऊपर गया है। वेट, अगर ये एम निकालेगा तो इसे हेडशॉट देने का ट्राई करेंगे। ओके, वो सर निकाल रहा है बट झुक जा रहा है और हेडशॉट फाइनली खत्म। एक और बंदा मेरे नीचे आ चुका है, फिट आसपास ही है, फुट स्टेप आ रहा है, डैमेज एंड इस बंदे के पास UMP है, क्रोनो लगा दिया, हेडशॉट और फाइनली खत्म। वो बंदा मेरे को किल करने के लिए आ रहा था बट वो खत्म हो चुका है। इसके साथ हमारे 5 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट के जस्ट 3 बंदे लाइव हैं। एंड इस साइड देख लेते, कोई पीछे साइड से आ तो नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर मेडिकेट वगैरह पड़ी है, ये भी उठा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जस्ट 3 ही बंदे बचे हुए हैं और मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि जोन तो वैसे मेरे पास में है। एक बंदा खत्म हो चुका है एंड एक बंदा एलिमिनेट हो चुका है, तो जस्ट लास्ट का एक आखिरी बंदा बचा हुआ है। तो यहाँ से हिटलिस्ट भी हम नहीं कर पा रहे उसे कहाँ पर है करके, तो एक काम करते हैं क्रोनो की स्किल ले लेते हैं, साथ में ये भी उठा लिया हमने और फटाफट बंदे को ढूंढने निकलते हैं। जस्ट एक आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है एंड जोन काफ़ी बड़ा है तो मुझे उसे ढूंढना भी पड़ेगा। एंड यहाँ पर बंदा दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं किस साइड पर है कि देखते हैं, वैसे मिल जाएगा। ओके, वो रहा हेडशॉट, उसका सोनिया एक्टिव हो चुका है एंड उसने वहाँ पर डिमिट्री भी ऑन कर लिया। वेट, उसकी वॉल तोड़ते हैं और फाइनली खत्म। तो इसी के साथ हमारा पहला मैच यहाँ पर निकल जाता है, बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर टोटल हमारे 6 किल निकलते हैं जिसकी वजह से हमें टोटल 40 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। बात करिए आज के दूसरे मैच की तो यहाँ पर मेरे 5 किल निकले थे एंड लास्ट के यहाँ पर 3 बंदे अलाइव हैं एंड मेरे पास यहाँ पर AWM साथ में ट्रोगन भी है। तो वेट, एक बंदा यहाँ पर लेफ्ट वाली साइड पे है, पूरा डैमेज उसको मैंने 150 तो दे दिया है। बाकी लास्ट के 2 बंदे, एक बंदा तो सामने है, वॉल लगी हुई है इसकी ब्लू कलर वाली, और एक बंदा अपने लेफ्ट में। एक और बंदे की लोकेशन अभी तक हमें पता नहीं कि किस साइड पर है। बाकी इसकी वॉल तोड़े, ओके वहाँ पर नहीं है वो, जो ना चुका है वहाँ पर, मेरे को लग रहा है ये सामने वाले इसके पीछे हो सकता है। ओके, पहले इसको डैमेज देंगे जो लेफ्ट से आ रहा है। शॉट मिस हो गया, उस पर कोई वहाँ पर ग्लू मेल्टर डाल रहा है, मतलब कि दोनों बंदे उसी साइड पे है, एक यहाँ पर है, डैमेज करेक्ट 100 का डैमेज पड़ा उसको। एक और सामने की साइड, 2 बंदे अपने सामने लड़ रहे हैं और एक बंदा अपने राइट के ऊपर है, आगे निकलना पड़ेगा अपने को भी, जोन आ रहा है कि ये बंदा मेरी साइड में आएगा। चलो एक बंदा तो खत्म हो चुका है एंड लास्ट के जस्ट 2 ही बंदे बचे हुए हैं अब, और इनमें से हमें एक बंदे को तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट वाला हमारी साइड में ही आएगा। डैमेज, चलो नॉक हो जाएगा, नॉक हो गया बट सामने वाला बंदा रस करेगा, इसको क्लियर करते हैं। भाई इसके पास भी ट्रोगन है, डैमेज है काफी ज्यादा पर अपने को यहां पर वॉल लगानी पड़ेगी। ओके, वो नॉक हो चुका है और फाइनली खत्म। तो इसके साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है हमारा, बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर टोटल 8 किल निकलते हैं जिसकी वजह से हमें टोटल यहाँ पर 43 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते हैं गाइस अगले मैच की ओर। बात करें गाइस ये वाले मैच की तो यहाँ पर हमारे 4 किल निकल चुके थे एंड लास्ट जस्ट 2 बंदे अलाइव है एंड इस वाले गेम के अंदर भी मेरे पास यहाँ पर AWM है और आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि जोन आगे वाली साइड पर ही है। तो यहाँ पर तो हम आ चुके हैं एंड बंदा एक बिल्कुल राइट से डैमेज दे रहा है कि वो शायद पेड़ के कवर पे है। ओके, वो रहा डैमेज एंड यहां पर अगर मेरे पास लॉन्चर में एमओ होती तो मैं उसको डैमेज देके खत्म कर सकता था। बाकी ये बंदा है, एक और बंदा पता नहीं किस साइड पे, ओके अपने लेफ्ट साइड में हो सकता है बट पहले इसे खत्म करते हैं। डैमेज
उसका सोनिया एक्टिव हो चुका है एंड उसने भी डिमिट्री ऑन कर लिया है। एंड एक बंदा मेरे लेफ्ट में इतना क्लोज आ चुका है, नेट कर रहा है शायद। पहले इसे खत्म करते हैं भाई। ये तो एक ही गोली में ही मर गया। मैं जो उनसे आया एंड ये भी डैमेज था, तो जस्ट एक आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है। फटाफट सुपर मेडी कर लेते हैं एंड रिपेयर किट भी कर ली हमने, बाकी लॉन्चर की एमओ भी मिल चुकी है हमको। चलो अभी जस्ट इस बंदे को ख़त्म करना है। चलो एक टेंशन तो खत्म हो चुका है, इसके पास अब सोनिया नहीं बचा हुआ है, तो फटाफट इस पर नेड वगैरह करते हैं। वो भी हम पे ग्रेनेड कर रहा है। ओके इधर आ चुका है। डैमेज तो आया नहीं उसको नेड का एक बार भी। ओके 150, एक ही गोली का बचा हुआ है। इसकी वॉल तोड़ते हैं और डाउन, फटाफट इसको फिनिश लेते हैं और फाइनली खत्म। तो इसी के साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल चुका है, बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर टोटल 6 किल निकले थे, टोटल हमको इस वाले मैच के अंदर 42 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते गाइस अगले मैच की ओर, 2 की स्ट्रिक बन चुकी है। बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो यहाँ पर मेरे 5 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 5 बंदे अलाइव हैं एंड एक बंदा मेरे राइट में ही है। इस पे नेट वगैरह करते हैं, अगर ये एलिमिनेट हो जाता तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी उसके पास शायद वो वाली ग्लू बॉल है, नायरी वाली, जो कि टूट भी नहीं रही है, तो इस पे ग्लू मेल्टर डालने का तो कोई फायदा भी नहीं है और लॉन्चर मारने का भी नहीं, तो ये हम बाद के लिए रखेंगे। बाकी वो मेरी तरफ को रश करने आएगा। ओके काफ़ी सारे डैमेज तो दे दिया, बट उसके बाद शायद ट्रोगन है, थोड़ा पीछे निकलना पड़ेगा। डाउन, इसको फटाफट फिनिश लेते हैं। चलो खत्म, जस्ट लास्ट के 3 ही बंदे बचे हुए हैं और मेरे को पता भी नहीं कि एक बंदा तो एलिमिनेट हो चुका है। चलो एक सामने की साइड है, वो किसी पे लॉन्चर वगैरह ट्राई कर रहा है। ओके नीचे भी शायद एक बंदा है पत्थर के पीछे, अपने को आगे निकलना पड़ेगा। ड्रॉप वाली साइड में आ रहा है, बट इस पे एम ही नहीं लग रहा है। M4A1 लेवल 3 की है, बट डैमेज ही नहीं आ रहा इतना। ओके एक बंदा राइट में ग्लू वॉल आके खड़ा हुआ है, जो कि पत्थर के वहां पर है। पहले इसको डैमेज देते हैं जो ड्रॉप वाला है। लॉन्चर का भी डैमेज नहीं आ रहा। ओके राइट वाला बंदा निकल के आएगा, तो इसको डैमेज देते पहले। वो बंदा मेरी ग्लू वॉल तोड़ रहा है। ओके वो बंदा उसकी साइड को लॉन्चर मार रहा है एंड वो बंदा ग्लू वॉल आके आ रहा है। वेट इसके पास भी नायरी कैरेक्टर है भाई, सबके पास नायरी कैरेक्टर है कि मेरे पास ही नहीं है। इनकी वॉल पे ग्लू मेल्टर डालने का तो कोई फायदा भी नहीं रहेगा। खैर मेरे पास यहाँ पर एमओ भी काफ़ी कम है और फिट, ऐसे मेरे पास ग्लू मेल्टर तो पड़ा हुआ है, तो मैं उनको डाल ही दूंगा इससे बढ़िया। ओके 3-3 मैंने ग्लू मेल्टर डाल दिए एंड वो बंदा भी वहाँ से ग्लू मेल्टर डाल रहा है। इसको डैमेज देते हैं, ये मेरी साइड को रश करने जरूर आएगा, मुझे भी आगे निकलना पड़ेगा। सोनिया एक्टिव, चलो ये तो खत्म हो चुका है, जस्ट ये आखिरी का बंदा बचा हुआ है। उस बंदे ने अपना सोनिया एक्टिव होने से पहले ही डिमिट्री ऑन कर लिया। और फाइनली खत्म। तो इसके साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल जाता है, बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर टोटल 8 किल निकले थे, जिसकी वजह से हमें टोटल यहां पर 43 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते गाइस अगले मैच की ओर, 3 की स्ट्रिक बन चुकी है। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो यहाँ पर मेरे पास थी M249X एंड सामने की साइड एक बंदा भी है और लास्ट जस्ट 3 ही बंदे हैं। ओके इसकी वॉल तोड़ते रहेंगे एंड जोन भी आ रहा है साथ ही साथ। आगे चल के एक और वॉल लगाते हैं एंड इसको ख़त्म करते हैं। ओके सोनिया एक्टिव, चलो ये तो खत्म हो चुका है एंड आगे वाले बंदों की भी फाइट चल रही है और उसमें से भी जस्ट एक आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है। अब इसकी वॉल तोड़ते हैं, बट इसके पास नायरी कैरेक्टर है, वैसे मेरे पास नेड भी है।
ओके इधर साइड आ रहा है, डैमेज नहीं आया और फाइनली खत्म। तो इसी के साथ ये वाला मैच भी निकल जाता है हमारा बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर टोटल 5 किल निकलते हैं, ये डेली मिशन का मैच था, इसके समय 61 का प्लस मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब यहाँ पर फाइनली हमारा स्कोर गाइज हो चुका था 4584, यानी कि हमने काफ़ी सारे मैचेस खेले एंड अब हमें 16 का प्लस चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर एक और स्टार कंप्लीट हो जाए। तो चलो मैच को करते हैं स्टार्ट। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो यहाँ पर मेरे से दो बंदों ने टीम अप कर लिया था। अब मैं यहाँ पर तो इनको खत्म करने वाला था, पर इन दोनों ने मेरे से टीम अप कर लिया था एंड ये बंदे जस्ट मेरे पीछे आ रहे हैं। ओके वो रहे भाई, आ जाओ बाहर। ओके आ गए। तो यहाँ पर एक बंदा भी है ऊपर वाली साइड पर, तो मुझे इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट ऊपर जाके रश मारता हूँ। वो बंदा शायद यहीं पर ही, ओके नेट वगैरह मार रहा है, ये रहा और ख़त्म भाई। उसने मेरी साइड को नेड मार दिया था एंड चलो ये तो हमने ख़त्म कर लिया। बट इसके बाद जो ये दो सब्सक्राइबर होंगे, मेरे को नहीं पता जिन्होंने भी मेरे साथ टीम अप किया था, इनके साथ बुरा हादसा होता है। अब यहाँ से हम निकलने के बाद चल जाते हैं जोन के अंदर एंड यहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ में फाइट हो जाती है और बंदूक की। अब यहाँ पर मैं जा ही रहा था जोन के लिए, तभी पीछे से एक बंदा मेरे को डैमेज देता है एंड मैं यहाँ पर ग्लो वॉल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर जो सामने वाले एनिमी था वो चला रहा था M249X एंड मैंने यहाँ पर ग्लू वॉल मार के पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ग्लू वॉल तो टिकेगी नहीं, तो इसलिए मैं घर के अंदर निकल के आ जाता हूँ। बट इतने में हमारा जो एक टीम अप वाला बंदा था उसको वो M249 से एलिमिनेट कर देता है, जिसका नाम पापी गुड़िया था। खैर ये तो एलिमिनेट हो चुका है, तो जस्ट अभी एक ही बचा हुआ बंदा जो टीम अप करा हुआ है, जो कि हमारा सब्सक्राइबर हो सकता है, शायद कन्फर्म नहीं कह सकता, बट इन्होंने मेरे से टीम अप कर लिया था। तो चलो अभी जस्ट ये बंदा बचा हुआ है, तो ये भी बच पाएगा नहीं बच पाएगा पता नहीं। एक और बंदा सामने की साइड, ओके वेट इसको खत्म करते हैं, कि वो अंदर की साइड जा चुका है, इस पर रश कर देता हूं। अब यहां पर मैं इस पर रश मारने जा रहा था, तभी जो हमारा दूसरा टीम अप वाला बंदा था वो भी एलिमिनेट हो जाता है। अब यहां पर मुझे इसे खत्म तो करना ही था, तो यहाँ पर मैं मार रहा था तभी ये ओरियन बन जाता है एंड साथ साथ जोन भी आ चुका था, तो मुझे फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी मैं इसको तो ख़त्म करके ही जाऊँगा, क्योंकि इसने हमारे जो टीम अप वाले बंदे हैं उनको ख़त्म कर दिया है। तो रुको वेट, उनका बदला लेना तो बनता ही है। वो निकलेगा जोन के लिए, भाई निकल जा बाहर, मेरे पास वॉल भी नहीं बची हुई है। ओके निकला, डैमेज, रुको लॉन्चर मारते हैं और फाइनली ख़त्म। तो फाइनली हमने यहाँ पर बदला तो ले लिया एंड अभी हम यहाँ से फटाफट जोन के लिए निकलते हैं, स्कैनर यूज कर लेते हैं एंड इसके बाद गाइस मैं यहाँ से जोन के लिए निकल जाता हूँ। एंड जोन मारने के बाद यहाँ पर भी मेरे को एक एनिमी दिखता है, जिसको मैं यहाँ पर डैमेज देके फाइनली ख़त्म भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे देखते देखते 5 किल निकल चुके हैं एंड जस्ट लास्ट के 3 ही बंदे बचे हुए हैं एंड मुझे इस मैच को किसी भी हालत में बुया करना है, क्योंकि वो लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ टीम अप किया था वो लोग मुझे यहाँ पर स्पेक्टेटिंग में लगे हुए हैं, मतलब कि वो मुझे देख रहे, मेरा गेम देख रहे कि मैं यहाँ पर बुया ले पाता हूँ या नहीं। तो अभी तो इज्जत की बात आ चुकी है, तो यहाँ पर तो बुया लेना बनता है। बाकी मैंने यहाँ पर होमर छोड़ दिया है, कि सामने वाली साइड जा चुका है होमर पूरा। ओके वो बंदा कवर पे जा चुका है एंड मुझे भी यहाँ से जोन निकलना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर जोन श्रिंक हो रहा है। तो लॉन्च पैड लगाते हैं और फटाफट यहाँ से जोन के लिए निकल जाते हैं। ओके फाइनली हम जोन के अंदर एकदम परफेक्ट जगह पे आ चुके हैं और वेट यहाँ पर फुट स्टेप आ रहा है, ये रहा, चलो ख़त्म। ये बंदा भी ख़त्म हो चुका है एंड हमारे इसी के साथ 6 किल निकल चुके हैं, तो फटाफट इसको लूट कर लेते हैं। ओके जस्ट लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए थे, तो यहाँ पर मैं अब जस्ट लास्ट के 2 बंदे बचे हुए, तो इनको ख़त्म करना है, बाकी इनकी फाइट यहाँ पर चल ही रही है। ओके वो दोनों एक दूसरे पर ग्लू मेल्टर वगैरह डाल रहे हैं, एक तो ख़त्म हो चुका है, आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है। ओके वेट मेरे पर नेड है, वो भी ग्रेनेड मार रहा है, अच्छा बंदा लग रहा है। वेट भाई नेड का डैमेज तक नहीं आ रहा, लॉन्चर में भी हमारे पास एमओ, ओके 20 का डैमेज, भाई मुझे किसी भी हालत में इस मैच को भूया तो निकालना ही है। डैमेज
अरे भाई नहीं भाई साहब, ये बंदा एलिमिनेट हो चुका है। इसी के साथ हमें ये वाला मैच भी निकल जाता है, बुया बुया बुया। एंड ये वाले मैच के अंदर टोटल हमारा फाइनली यहाँ पर 16 का प्लस चाहिए था और हमें 38 का प्लस मिल जाता है। इसके साथ हमारा 4 स्टार भी कंप्लीट हो जाता है एंड यहाँ पर हमारे 6 किल निकलते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो गाइज, पसंद आएगी तो गाइज लाइक कर देना। एंड आप लोग अभी तक अगर इस वीडियो पे बने हुए हो तो 4 स्टार ओपी कमेंट जरूर से कर देना ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग यहाँ तक बने हुए हो। बाकी हमारा आज का यहाँ पर फाइनल स्कोर 4622 हो चुका है एंड हमें 5200 स्कोर चाहिए अगला स्टार करने के लिए, यानी कि 5 स्टार कम्प्लीट करने के लिए। एंड बात करें तो यहाँ पर स्टैटिक्स काफी गिर चुका है, 85 मैचेस के अंदर 46 ही भुया निकले हैं। तो मिलते गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।